और क्या हो गया सलीम भाई, यही पर डांस शुरू कर दिया आपने तो यार। 50 के अंडे हैं, कोई उसमें से ना बच्चे निकालते हैं भाईजान, वो कह रहा है ये वाले खा ले। भाई ये बड़े कीमती अंडे हैं, जो बतख के अंडे हैं ना मार्केट से नहीं मिलते, और मिलते भी तो फर्टाइल नहीं मिलते। और भाईजान बत्तख के अंडे हैं या कोई सोने के अंडे हैं यार, आप तो पीछे ही पड़ गए अंडों के। उसने कहा कि शायद भी कोई बॉयल करके खिला दो। माशाल्लाह की टांगे देखे जबरदस्त, कैसी लस्टर कैसा है इसका। सनी भाई डबल टू टोन शेड मार रहा है, माशाल्लाह लस्टर देखे उसका। और भाईजान आंख ना निकाल ले यार ध्यान से भाईजान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहां जहां होंगे अपने घर में बिल्कुल खुश होंगे। अल्लाह का पाक नाम लेकर हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाहिद भाई हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सनी भाई? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। हमारे व्यूअर्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। क्या प्लानिंग है भाईजान? शाहिद भाई एक कमेंट आया है, ठीक है, ये काम फिश वैफल की तरफ से दिखाएं। वो कह रहे हैं कोई चीज ले भी लें, बस देखने जाते हैं आप। अच्छा। तो हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि हमारे पास ना केज की कमी थी, यानी केज नहीं था प्रॉपर, जिसकी वजह से हम चीजें खुद नहीं ले रहे थे। सर्दी बड़ी थी, पहले हमारे चूजे जो है ना काफी एक्सपायर हो गए हैं, तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम केज बड़ा करने लगे हैं। फंड्स भी हमारे पास आ गए हैं, तो जैसे अब केज हमारा बड़ा हो जाएगा ना, तो हम जो है ना मजीद एनिमल्स और पेट्स फौरन ही ले लेंगे। तो बस अभी हम एस्टिमेट लेंगे अपने बड़े केज का, कितने पैसों का वो बनेगा। जो पहले हमने लिया था ना वो बहुत ज़्यादा एस्टिमेट दे रहा था, तो अभी हम एस्टिमेट दोबारा लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह फौरी तौर पे हम केज ना बनवाना शुरू करते हैं। ठाले 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 भाईजान, वो आपको देख के ना आवाजें निकालनी शुरू हो जाते हैं, वो देखें सारे। आज 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 छुट्टी छुट्टी छुट्टी। ओ भाईजान ये नहीं पकड़ी जानी, आप पकड़ने लगे हुए। तीसरा खरगोश किधर है सनी भाई? आ गया वो तीसरा भी आपको देख के। क्या हो गया इसको? फीवर अब्दुल रहीम कुछ खा पी भी नहीं रहा, वोमिट क्या हो गया? कह रहे अंकल व्लॉग नहीं बना रहे, मैं भी मेरी वीडियो नहीं आ रही, मैंने कुछ भी नहीं खाना पीना। देख रहे हो किस तरह खा रहे हैं ये? बैठ के बस पे हाथ रख ले। कबूतर? अच्छा कबूतर ले घर आते हैं। सनी भाई यार वो जो बंदा उस दिन आया था ना यार, उसको तो आप छोड़े, वो नहीं है वैसे। ये एस्टिमेट देखिए, मुझे लग रहा है वो हमें लूट रहा था वो, तो आप ना कोई और बंदा देखें, तो उससे दो तीन बंदों से एस्टिमेट लेते हैं, तो फिर यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करवाते हैं। मुझे लगता है चूना लगा रहा है हमें, मुझे यही लग रहा है भाईजान। इतना एस्टिमेट क्या, मैंने क्या बच्चों की शादी करनी है जो इतना कमरे का खर्चा सुना गया वो? इतने में तो कमरा बन जाता है। हाँ जी, कितने शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह भाईजान, देखे कितने शौक से खा रहे हैं। सनी भाई मिल के खा रहे हैं आज तो? आज तो बड़ी सुलह हुई है लगता है, वो भूख लगी है तो भाई यार, भूख तो बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। हाँ। यार वो जो हमारा नोविता है ना, वो जो मेल है बतख का, इतना वो स्लो है ना, इतना ढीला है ना, कछुए से भी स्लो चलता है। और शिजुका देखो, शिजुका ठीक है। सनी भाई ये है कि यार उसने अंडे दे दिए हैं। ओ यार अंडों से याद है, अंडे तो चेक करवाने थे, बतख के हैं कि चितरियों के हैं पता ही नहीं अभी तक। आप भी भैया लग रहा है फ्राई करके वो खा गए हैं, मुझे पता लग गया है। अम्मी ने धो के साइड पे रख दिया, कह रही चेक करवा लो किसके हैं। चले जी, कोई सनी भाई का वाकिफ है दुकानदार, अंडों का कारोबार है उसका, तो उससे पूछ लेते हैं, अंडे सप्लाई भी करता है वो, तो ये है कि उससे पता लग जाएगा ये हमारी चकोर के अंडे हैं या हमारी डक्स के अंडे हैं। सनी भाई यार वो देखें, चकोर अंदर जाके बैठी हुई थी, उसके अंडा ऐसी नहीं तो नहीं दे दिया कहीं? पता नहीं बैठी हुई थी ये। अच्छा यार मेहमान खाना बना दिया आपने, रेस्टिंग प्लेस है उनकी, रेस्टिंग प्लेस बेबी रूम है। देखे अंदर अंडा तो नहीं दे दिया भाईजान? नहीं अंडा नहीं है। शायद भाई जी जी, ये मैं अंडे ले आया हूँ। अच्छा अब जल्दी से चले, इसको चेक करवाते हैं। चले ठीक है, ध्यान रखना। आज आज निकले, ध्यान रखना, दुकानदार चेंज ना कर ले इसे, बड़े तेज होते हैं। ठीक है ठीक है, चले इन पर निशानी ना लगा ले, मैं तो कह रहा हूँ इन पर निशानी लगा लेते हैं ताकि दुकानदार चेंज ना कर सके। हाँ इन पर निशानी लगा ले कोई अपनी ना। हाँ कुछ निशानी लगा। आज आज निकले निकले। सनी भाई यार इन भाई से पूछ ले यार, इनके पास पहले भी हम आए थे, इनके अपने ब्लॉग में लिया था। इनके इसके अंडे हैं, ये बतख के अंडे भाई जान, ये जो इसकी बनावट है ना। हाँ जी, वो बतख के अंडों वाली है, और ये स्टार्टर अंडे हैं बतख के। स्टार्टर अंडे? स्टार्टर अंडे, यानी कि पहले अंडे हैं। जब ये थोड़ी पुरानी हो जाएगी ना बतख, अंडा अंडों का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मुर्गी है ना उसका अंडा देखिए किस तरह का होता है, उसका अंडा इस रेशो में। ये देसी अंडा है? ये देसी अंडा, ये लेमन ब्राउन का मुर्गी का अंडा। अच्छा अच्छा, और इसमें ये देखें। हाँ ये लंबूतरा टाइप और पतला है थोड़ा सा। ये अंडा आपका यही साइज इसी चीज में रहेगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा। ये इसका छिलका भी पतला लग रहा है। वो स्टार्टर यही होता है? स्टार्टर यही। तो बता ना दो अंडे कैसे दे दिए? नहीं नहीं, एक पहले दिया होगा एक कल, बाद में दिया होगा, दो अंडे दे रही सकती है। मैं आपको कह रहा था ना ये बत्तख के अंडे लग रहे हैं मुझे, आप कह रहे थे नहीं नहीं नहीं। इस अंडे का जो वजन है ना वो 55 से 60 ग्राम होना चाहिए, ये 40 से 45 ग्राम का अंडा होगा। 45 ग्राम का है जी। देखें
50 से 55 का, उस पे से आपका चूजा निकलेगा। छोटा जो होगा उसमें चूजा अगर निकल भी आएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी से हम खा लें इसको? आप खा लें, जब अंडे का साइज बड़ा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, तब आप इसमें से बच्चे निकल। वैसे कोशिश करते यार, ये पीको रोड मंडी स्टाफ से जो अंदर आ रही सड़क, वहाँ पर ये बाइक की दुकान है, इनके पास माशाल्लाह काफ़ी मालूम आता है। उन्होंने वजन करके भी बता दिया कि ये 72 का अंडा है और स्टार्टर है ये। और क्या हो गया सलीम भाई, यही पर डांस शुरू कर दिया आपने तो यार। 50 के अंडे हैं, कोई उसमें से ना बच्चे निकालते हैं भाईजान, वो कह रहा है ये वाले खा ले। आपको तो हर अंडे में से बच्चा निकलता हुआ नजर आता है। सनी भाई को देखें यार, कह रहे हैं ये भी हम जो है इंक्यूबेटर में रखेंगे। हालांकि दुकानदार ने मना कराया कि ये इसमें से ना मुश्किल है, और वजन भी करके दिखा दिया 45 ग्राम है। आपने ना दुआ करनी है, हम कोशिश करेंगे इस इंक्यूबेटर में रख के इसमें से बच्चा जैसा भी यहाँ निकले, आपने दुआ करनी है बच्चे सेहतमंद निकले, प्यारे प्यारे गोरे गोरे। भाई ये बड़े कीमती अंडे हैं, जो बत्तख के अंडे हैं ना मार्केट से नहीं मिलते, और मिलते भी तो फर्टाइल नहीं मिलते। और भाईजान बत्तख के अंडे हैं या कोई सोने के अंडे हैं यार, आप तो पीछे ही पड़ गए अंडों के। उसने कहा कि शायद भाई कोई बॉयल करके खिला दो। उसने ये कोई नहीं कहा, आप तेज ना बने ज्यादा, आपको मैं मुर्गी के खिला दूंगा। ये बत्तख के अंडे पहली बार निकले हैं यार, ये बाज ही नहीं आ रहे सनी भाई यार। यार सनी भाई पहुंचे एक शॉप के ऊपर, वहाँ पे मुर्गा भाईजान के पास बहुत जबरदस्त है, वो देखे पकड़ने के लिए गए हैं। यार सनी भाई ने देखे पकड़ लिया मुर्गे को, और ये देखे यार पकड़ के ऐसे लग रहा है। सनी भाई आपके हाफ साइज का मुर्गा है ये माशाल्लाह से, उसकी कलगी देखे कितनी लाल सुरख है यार। नौ माह का बच्चा है, कौन सी नस्ल है, बड़ी जान है। प्योर लसानी की क्या कीमत है? प्योर लसानी यार माशाल्लाह, इसकी टांगे देखे जबरदस्त, कैसी लस्टर कैसा है इसका। सनी भाई डबल टू टोन शेड मार रहा है माशाल्लाह, लस्टर देखे उसका। और भाईजान आंख ना निकाल दे यार ध्यान से भाईजान, ये इसकी मेल फीमेल है यार देखें, ये फीमेल है उसकी और ये मेल है, दोनों ऐसे हैं जिस तरह एक ही हो बिल्कुल ना, दोनों का कलर सेम माशाल्लाह। लड़ते भी हैं मुर्गे? हाँ जी ये लड़ने के लिए। यार मुर्गी का साइज भी यार उतना ही है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। क्या हुआ, नाखून लग मार दिया, दिखाएं कहाँ लगा है? मैं आपको कह रहा था यार सनी भाई ना पकड़े यार, अब बाज ही नहीं आता यार किसी चीज से भी। जान है उसमें नहीं, नहीं इनका अपना होता है कुदरती। भैया अभी 9 माह का है, वो कह रहे साल का होता है ना जब, तो जब इसके कील निकलते हैं शुक्र करें वो नहीं लग गए आपको। आपको यार सनी भाई के देखे यार, ब्लड तो नहीं निकल रहा? नहीं ये बच गया, बच गया यार, इतना ताकतवर था, मैंने पकड़ा मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने ज़कूटा जीन पकड़ लिया। यार अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर एक वेल्डर की दुकान पे, जो पिंजरे का एस्टीमेट लेने के लिए, क्योंकि पहले भी लगवाया था एस्टीमेट लेकिन ना उस टाइम पे प्रोग्राम हमारा सही नहीं बना था, तो अब हमने प्रॉपर उसको बनवाना है। 20x7 का बनवाना है और ऊंचाई 8 फुट। 3 साइड बनानी है, पीछे दीवार है, दीवार की साइड नहीं बनी। ये भाई से एस्टीमेट लगवा रहे हैं ये, तो ये देखे भाई एस्टीमेट लगा रहे हैं, नहीं रोई लग रहे हैं इतने क्या जाली होती है सही रही मजबूत है। जानवर बड़े जोर से मारते हैं, टूटते हैं भाई, 8-9 साल तो लगा के लाग लेना। ठीक है सनी भाई, बेहतरीन है, चले मशवरा कर लें फिर ये आगे। तो यार ये भाईजान ने मुझे एस्टीमेट दे दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें पसंद आया इनका रेट जो इन्होंने हमें दिया, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं जल्द अज जल्द बनवाने की। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अपने होश शाहिन सीर को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।